कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा गंगा। माता पिता तो सरवण, माता पिता तो सरवण ठोकर लगा रहा गे, माता पिता तो सरवण ठोकर लगा रहा गे, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा गे, कलयुग ये कैसी अब हर गली में रावण, हर गली में रावण अब सीता चुरा रहा है, गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कह दो हरे बहन से, कह दो हरे बहन से अब सतर्क रहना, कह दो हरे बहन से अब सतर्क रहना, अब तो सतर्क रहना, पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा, कलयुग ये गंगा बहा रहा, कलयुग ये कैसी कलयुग ये कैसी पर, पापी भी अब राधा बंधा अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा, अब हर गली में रावण माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा की ऐसी ही समस्या हो रही है कि लेकिन धन्य है हमारे कर्दम ऋषि माता देवहूति, जब ही सरोवर में बोले स्नान करो, देखिए ऋषियों की तपस्या, सरोवर में स्नान करके माता देवहूति जब ही निकली है, जैसी तरुण रूप में विवाह हुआ था ठीक वैसी ही हो गई और सैकड़ों दासियां उत्पन्न हो गई उस सरोवर से। एक दिव्य विमान बनाए हैं कर्दम ऋषि अपनी तपस्या के प्रभाव से,
बताया था मैंने ना भारत के ऋषियों की खोज। वो विमान आकाश में भी उड़ सकता है, वो विमान धरती पे भी चल सकता है, वो विमान जल में भी चल सकता है। उस विमान पे चाहे कोई भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो, किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। वाह, क्या ऋषियों की खोज थी। इस विमान में विहरण किए हैं संकल्प मात्र से यथास्थान। एक कौन कहे, नौ कन्याओं ने जन्म लिया, नौ कन्याएं जन्म ली। जाने लगे कर्दम ऋषि कि मुझे नहीं रहना इस गृहस्थ आश्रम में। माता देवहूति पांव को पकड़ के रोक ली, अरे ये सब तो चले जाएंगे घर, तो मेरा कोई सहारा नहीं होगा, इसलिए कोई पुत्र हो जाए तब जाना। रुक गए, उन्हें याद आया कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, वे तो अभी आए नहीं। घर में अगर रुके हैं तो भगवान के लिए रुके हैं। भगवान कपिल प्रकट हुए, स्तुति किए, ब्रह्मा इत्यादि देवता कर्दम जी भी स्तुति किए। अब ब्रह्मा जी के कहने से नौ पुत्रियों का विवाह नौ ऋषियों के साथ हुआ। आप वशिष्ठ जी का नाम सुनिए। इनकी पत्नी अरुंधति जो थी एक कर्दम की ही पुत्री थी। महासती अनुसुया कर्दम ऋषि की ही पुत्री थी। कोई साधारण पुत्रियां नहीं थी इनकी, क्योंकि तपस्वी थे, सदाचारी थे, रिमोट लेके नहीं बैठते थे। हाँ, चैनल बदलो, इसमें तो अच्छा फिल्म आ रहा है, इसमें अच्छा भगवान का आ रहा है, अरे वो फिल्म निकल जाएगा, गंदा वाला लगाओ जरा। नाली के कीड़ा ही रहना है, चाहे हमारे जैसे लाख जन्म ले मर जाए, चाहे करोड़ों विवेकानंद का उदय हो जाए, लेकिन यहाँ कोई सुधरने वाले नहीं है। हाँ, महाराज अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का, कृतु जी के साथ क्रिया का, शांति जी का अथर्वा ऋषि के साथ विवाह। ऐसे ऐसे करके नौ पुत्रियों का विवाह कर डाले और सीधे वन में चले गए तपस्या करने के लिए। इधर देवहूति माता एक दिन आई है, हमारे पुत्र हैं कपिल भगवान, यह मान करके नहीं, यह मान करके भगवान नारायण कपिल रूप में प्रकट हुए हैं, इनसे कुछ उपदेश प्राप्त करके भगवान की भक्ति करी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रही थी, आपको नेत्र सूर्य के रूप में मिल गए, मानो नेत्र ही हैं आप हमारे। आप कृपा करके मेरा कल्याण कैसे हो यह बतलाइए, परम कल्याण कैसे होगा, प्रकृत पुरुष का लक्षण बतलाइए महाराज। तो क्या जिसके घर भगवान आए हों उसके कल्याण में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है महाराज। ये प्रश्न सिर्फ हम सबके कल्याण के लिए देवहूति माता पूछी है। कपिल भगवान बड़ा सुंदर उपदेश दिए। कपिल भगवान ने कहा कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मना एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ठीक इसी श्लोक का भाव है, इसी श्लोक में भी चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। अगर यह चित्त, यह मन वासनाओं में, गंदी दृश्यों में, सांसारिक उलझनों में लगा रहा, सांसारिक चकाचौंध में, तो ये नरक में ले जाने वाला हो जाएगा। और यही चित्त, यही मन अगर भगवान में लग गया तो मुक्ति मिल जाती है। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है।
अब आपको तय करना है इस मन को कहाँ लगाना चाहते हो। आप इसको भगवान में लगाना चाहते हैं कि संसार में लगाना चाहते हैं। और माता ये जो संग है इस पर भी ध्यान रखना, विषयी पुरुषों का संग मत करना या वासना संपन्न किसी भी पुरुष स्त्री का संग नहीं करना। हाँ, और किसी में इतना मोह इतना माया नहीं सताता जितना वासना में सताता है। इसलिए महाराज कभी भी कुसंगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। विषयी वासना संपन्न स्त्री हो चाहे पुरुष उसका संग नहीं करना चाहिए। और यहां तक लिखा है संग संगस्य, जो उन वासना संपन्न लोगों का संग करते हैं ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। यह है शास्त्र का आदेश। ये शास्त्र की आज्ञा है। माता को बताते हुए हमें मानो संदेश दे रहे हैं भगवान का। फिर और माता अगर संग करना ही है तो साधुओं का करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अब इस कलयुग में साधु महाराज कठिन मत कहो, असंभव से है साधु मिलना, जैसा कपिल भगवान ने लक्षण बताया है। हाँ, हम सोचते हैं अरे साधु कैसे जानेंगे साधु कलयुग में, अरे सब नियम है, सब शास्त्रों ने बता रखा है कि ऐसे को साधु बोलते हैं। किसको साधु बोलते हैं? तितिक्षव कारुणिकाह सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। बड़ा कठिन है भाई साधु बनना कपिल भगवान के हिसाब से। तितिक्षवः, तितिक्षु किसको बोलते हैं? अब ऐसे ही किसी को बुरा न लगे तो कोई गृहस्थ का भी हो कोई ऐसा भी तो बोल देता हूँ हाँ साधु तो हर कोई है, लेकिन कपिल भगवान के हिसाब से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं मानना मैं बोल रहा हूँ, मैं तो सबको साधु मानता हूँ, हमसे सब श्रेष्ठ हैं। मैं अपने को ही साधु नहीं मानता, अभी बहुत कमी है। लेकिन साधुओं का लक्षण कपिल भगवान जो बता रहे हैं वो लक्षण जिसके भी अंदर मिले आप जान लेना साधु है। गृहस्थ के अंदर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसमें लिखा बहुत कठोर शब्द है ना। तितिक्षवः, तितिक्षु हो, सहनशील हो, सर्दी गर्मी बरसात धूप भूख प्यास सब कुछ सहने वाला हो। दुष्ट अगर कुछ कह दे तो उसको भी सह ले। हाँ, बूंद अघात सह गिर कैसे, बूंद अघात सह गिर कैसे, हल्के वचन संत सह जैसे, हल्के महाराज संत दुष्टों के वचन को सुनते रहते हैं प्रेम से। तितिक्षु होते हैं, न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। हाँ, एक जगह से जा रहा था, दो बोलते हैं अरे देखो 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 आसाराम का शिष्य जा रहा है। हमने कहा वाह, हम ही मिले हैं तुमको, दाढ़ी देखा कपड़े देखा, बोलना है भोगने की आदत है यहाँ। फिर हम रुक गए, हमने उसको बुलाया बेटा यहाँ कितने तक पढ़े हो? बताया इंटर में हूँ कोई हाई स्कूल में। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़े हो, सभी उंगली बराबर हैं क्या? बोला नहीं। अच्छा, हमने कहा चोरी डकैती जुआ खेलना शराब खेलना व्यभिचार दुराचार अत्याचार अनाचार जेब काटना सब साधु ही कर रहे हैं? बोला नहीं। हमने कहा फिर हम ही मिले हैं तुमको? अरे महाराज साधु भी इंसान ही होता है। अब जन्मजात जैसे गुण रहेंगे वही तो करेगा आदमी। चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी थोड़ी चली जाएगी। अब बचपन से चोरी किए हैं, लात पड़ी घर में साधु बन गए,
वो अच्छा सत्कर्म करेंगे, कभी नहीं कर सकते। एक चोर चित्रकूट में बाबा जी बन गया, अब सब साधु राम घाट पे सोए थे, अब चोरी तो छूट गई, अब इसके मन में उपद्रव करने की इच्छा, मानता ही नहीं था मन उसका, कैसे चोरी करे। तो क्या काम किया, जितने साधु थे उसका कमंडल उसके पास, उसका झोली उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, उसका झोली उसके पास। सब साधु जब स्नान करने के लिए उठे 3 बजे 4 बजे, देखने लगे, अरे मेरा कमंडल कहाँ, कोई कहता है मेरी झोली कहाँ, एक बोलता है तेरी झोली मेरे पास है, वो बोलता है तेरा कमंडल मेरे पास है। साधुओं ने कहा, भाई साधु इसमें लग रहा है कोई चोर साधु है, चोरी तो छोड़ दिया लेकिन हेरा फेरी नहीं गई। अब बचपन से जो बुरा कर्म नहीं किया हो तो आदत ही नहीं रहेगी उसकी, तो उसकी रक्षा भी भगवान करेगा।